इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं जावा स्क्रिप्ट के इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा। जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो आते हैं, ठीक है, इंटरव्यू में तो आते ही हैं, उसके अलावा भी आपको आने चाहिए। उससे क्या क्या बेनिफिट होगा, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रिपरेशन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको वर्किंग प्रिंसिपल पता चलेगा, आपका फंडामेंटल जावा स्क्रिप्ट का क्लियर होगा। और अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, लाइक एंगुलर में हो गया, रिएक्ट हो गया, या नोड जेएस में हो गया, तो किसी भी टाइप का जावा स्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क में या फिर वेनेला जावा स्क्रिप्ट का कोड अगर लिख रहे हैं तो इस टाइप के जो एक्सपीरियंस है वो आपको काम आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए रहेंगे तो आपको आइडियाज़ आएंगे, माइंड में स्ट्राइक करेंगे कि कैसे इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ इसको आप अंत तक देखिए। जावा स्क्रिप्ट का जो मैं सीरीज है ये अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको खुद से कोड भी करना पड़ेगा। आप जो यहाँ पे देख रहे हैं मैं कोड को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, कोड को अच्छे से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप पहले अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद खुद से करने का प्रयास कीजिए, ताकि अगर आप खुद से टाइप करके करेंगे तो हो सकता है कुछ सेंटैक्स भूल रहे हों तो वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा जब आप खुद से अगर टाइप करके अगर आप देखेंगे तो कुछ बग ऐसे होते हैं जो उस समय आपको रियलाइज़ होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 30% तो काम हमारा है कि मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, लाइन बाय लाइन कोड को समझा रहा हूँ, और आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो रहा है। उसके अलावा जो 70% काम है वो आपके एंड से होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सीरीज को अंत तक देखिए, हर एक वीडियो को देखिए। इंटरव्यू में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे, और डेफिनेटली डेफिनेटली जो इंटरव्यू आपको ले रहा है आपको मानेगा कि यस, इस बंदे को तो अच्छा खासा नॉलेज है, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो बेसिकली ओके, एक चीज़ और, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ सबसे पहले कोड को रन करने के लिए हमारा बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस होंगे, उसके कोड के स्निपेट होंगे, तो मे बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में आ गया होगा, या फिर कोडिंग आपको करवा कर पूछा जाएगा, या इंटरव्यू में आपको बोल देगा कि इसका आउटपुट क्या है। तो ये जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, राइट? तो आपको ये बहुत बेनिफिट करेगा। तो उसके लिए मैं एक हर एक प्रॉब्लम को, हर एक जो जावा स्क्रिप्ट का प्रॉब्लम है उसको सोल्व करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक एक जावा स्क्रिप्ट का फाइल बनाते जाऊँगा। तो वन वन डॉट जे एस, देन टू डॉट जे एस, थ्री डॉट जे एस, ऐसे करके मैं बनाऊँगा। तो आने वाले वीडियो में एक एक करके मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करता रहूँगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि ये थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया कि आगे मैं क्या करने वाला हूँ, क्या गोल है इस वीडियो का, इस सीरीज का, तो ताकि आपको बेनिफिट हो, राइट? तो आपको गोल तो समझ में आ गया। आई होप कि आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपका आपको प्रॉपर एडवांटेज इस वीडियो का मिलेगा आपको। तो दिस ये एक बेसिकली HTML का ये स्निपेट है, ठीक है। उसके अंदर एक जावा स्क्रिप्ट लाइब के थ्रू हम एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट इंक्लूड कर रहे हैं इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में, इस पार्टिकुलर HTML फाइल में। और इस HTML फाइल को मैं रन करूँगा तो ये हमारा जावा स्क्रिप्ट का भी पेज जो एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट में इंक्लूड किया हूँ, वन डॉट जे एस, वो भी रन होगा, और हमारा जावा स्क्रिप्ट का आउटपुट कंसोल में शो होगा, ठीक है। कंसोल में क्यों, हम लोग यहाँ पर भी शो कर सकते हैं, बट जनरली कंसोल यूज करेंगे तो उसका आउटपुट हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं। नाउ पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। नाउ पहला क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये ऑलरेडी मैं लिख कर रखा हूँ ताकि आपका टाइम का बचत हो। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा और आने वाले समय में, आने वाले वीडियो में मैं आपको कोड करके भी बताऊँगा ताकि क्यूरियसिटी बना रहे कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। बट अभी के लिए मैं जस्ट शॉर्ट में आपको, ये थोड़ा टफ भी है ये जो प्रोग्राम है, जो ये प्रॉब्लम है थोड़ा टफ भी है। रिसेंटली इंटरव्यू में पूछा गया था ये, तो मैं सोचा कि क्यों ना इसी को वन डॉट जेएस ले लूँ। हालांकि इसके डिटेल में एक डिटेल क्लियर होगा, ठीक है, आप देखते जाइएगा तो फंडामेंटल क्लियर होता रहेगा और कंसेप्ट आप समझ जाएंगे और आपके माइंड में नया नया चीज़ें स्ट्राइक करेंगे, और उसकी मदद से आप
किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी प्रोग्राम को आप अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो ये हमारा प्रॉब्लम है, इसको हमको सोल्व करना है, ये हमारा प्रोग्राम है। तो आपको क्या करना है, कमेंट में इसका क्या आउटपुट आएगा इसको आपको बताना है, ठीक है? इसका आउटपुट क्या आएगा आपको बताना है। और चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, मेन एक मेथड इन्वोक हुआ है। मेन इन मेथड इन्वोक होने के बाद क्या क्या चीज़ें होगा उसको समझते हैं। तो सबसे पहले फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। आपको पता है कि एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, एक फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है। अब ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो थोड़ा आप गूगल कर लीजिए और या फिर यूट्यूब में कोई वीडियो देख लीजिए। ओके, हालांकि बहुत पहले मैं एक वीडियो डाला था, मैं हो सकता है लिंक मैं दे दूंगा, बट आपको मिल जाएगा। इसके बारे में बहुत सारे लोग अच्छे से बताए हुए हैं, तो आपको ये समझ लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है। तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ये फंक्शंस के अंदर ये क्रिएट हो रहा है, इसलिए फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बोला जाएगा। तो क्या होगा कि लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होने से पहले पहले स्कैन होगा, ठीक है? पार्सिंग बोलते हैं इसको। तो जावा स्क्रिप्ट का कोड पार्सिंग होगा और हर एक लाइन में ये चेक करेगा कि कोई वेरिएबल है या फंक्शंस है कि नहीं है। अगर वेरिएबल है तो उसका वैल्यू अनडिफाइंड इनिशियली स्टोर हो जाएगा, और फंक्शंस है तो फंक्शंस का डिटेल स्टोर हो जाएगा, राइट? देन वन लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे लेट कीवर्ड यूज किया गया है। तो लेट कीवर्ड का मतलब होता है ब्लॉक स्कोप। इसका मतलब जो ये कर्ली ब्रेसेस है, विद इन दिस कर्ली ब्रेसेस ही इसका स्कोप है और इस वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ए आर आर का वैल्यू यहाँ पे हो गया 1, 2, 3। ये एक एरे है, एरे का वैल्यू हो गया यहाँ पर। नाउ देन यहाँ पे कंसोल लॉग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कंसोल लॉग ये कॉल हो जाएगा क्योंकि फंक्शन, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इन्वोक होगा, तो फंक्शंस के अंदर ये कंसोल पहले कॉल होगा। तो ये हमारा पहला ये कंसोल आउटपुट हो गया। देन यहाँ पे ए आर आर डॉट फॉरिच अप्लाई किया गया है। ये फॉरिच क्या है, ठीक है? फॉरिच को समझते हैं। तो फॉरिच क्या होता है कि सपोज दैट ये हमारा एरे है, एरे के एक एक वैल्यू को हमको प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे उसके लिए, उसके लिए हम जो है इसको प्राप्त करने के लिए, अगर इनबिल्ट जावा स्क्रिप्ट के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ अगर मेथड अगर नहीं होता, तो हमको फॉर लूप में क्या होता, लूप घुमाना होता, और एक एक वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हम वहाँ पे एक एक इंडेक्स के वैल्यू को प्राप्त करते हैं, राइट? अगर मैं उसको थोड़ा बताऊँ तो कुछ इस प्रकार लिखते, फॉर लिखते एंड देन इनिशियल वैल्यू आई ले लेते, सपोज यहाँ पे लेट लिख दिए, ठीक है? लेट आई इज इक्वल टू 0, इनिशियल वैल्यू 0 होता, देन आई का वैल्यू जो है ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, मैं ए आर आर लिखूँगा, राइट? डॉट लेंथ लिखूँगा, राइट? और ये इसे छोटा होना चाहिए। देन यहाँ पे इंक्रीमेंट करूँगा आई प्लस प्लस। हमको ऐसा करना पड़ता है, राइट? ऐसा करना पड़ता है, देन हर एक इंडेक्स का वैल्यू हम प्राप्त कर सकते थे। जस्ट यहाँ पे ए आर आर लिखते और 0 इंडेक्स का वैल्यू प्राप्त करने के लिए यहाँ पे 0 लिखना पड़ता, और लूप चल रहा है तो एक एक 0, 1, 2, 3 ऐसे करके एक एक वैल्यू को हम प्राप्त करते हैं। बट फॉर इच की मदद से हम ये काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। फॉर इच की मदद से क्या करेंगे, ये मेथड इसी के लिए ही बना हुआ है, आपके काम को आसान करने के लिए। तो एक एक इंडेक्स के वैल्यू को आप प्राप्त कर सकते हैं फॉर इच की मदद से, जिसमें ये जो कॉल बैक मेथड है, देखिए ये फॉर इच मेथड में क्या है, कॉल बैक मेथड है। ये देखिए कॉल बैक में क्या है, ये एक वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू है, ये जो पैरामीटर आप पास किए हैं उसका जो वैल्यू आएगा वो हर एक 1, 2, 3 आ जाएगा, ठीक है? नाउ अदर जो है ऑप्शनल है, अदर पैरामीटर भी होते हैं, लाइक इंडेक्स, किस इंडेक्स का वैल्यू आ रहा है तो वो भी प्राप्त कर सकते हैं, कौन से एरे का आ रहा है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो आप मिल जाएगा, आप प्राप्त कर सकते हैं बड़े आसानी से वो भी वैल्यू, राइट? बट ये शॉर्टकट नहीं बोलेंगे, ये वैल्यू से आप इस एरे का हर एक इंडेक्स का वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हैं। ये इटरेबल है, ये लूप होगा अपने अपने आप और एक एक वैल्यू को आपको देगा। नाउ ये वैल्यू आपको मिल गया, ये वैल्यू 1, 2, 3 मिल गया आपको, और यहाँ पे अवेट यूज किया गया, एसिंक अवेट। देखिए ये थोड़ा कम्प्लेक्स है, मैं मान रहा हूँ कि पहला एग्जांपल थोड़ा कम्प्लेक्स है, मैं सोचा कि
चलो इसी से शुरुआत किया जाए, राइट। हालांकि इन सारे चीज़ों को मैं डिटेल में भी बताऊंगा, और क्योंकि मुझे इंटरव्यू में ऐसा पूछा गया था एक कंपनी के द्वारा, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इसी को एज अ वन डॉट जे एस लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको बताऊँगा, बेसिक वाले भी बताऊँगा, ये थोड़ा एडवांस लग रहा होगा इनिशियली आपको, ठीक है। एसिंक, एसिंक क्या है? ये आपको जो है एक आउटपुट देगा, प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ये एसिंक्रोनस करने के लिए होता है। अभी इसको समझेंगे, बट अभी के लिए अभी अवॉइड करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा इसके अंदर डीप में जाएंगे तो फिर पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा वीडियो, बट आप बेसिक समझिए कि अवेट, जहाँ पे एसिंक और अवेट का मतलब होता है कि जहाँ पे अवेट कीवर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लाइन का कोड अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है तो जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक ये कंसोल लॉग नहीं होगा। यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया तब तक कि इसका आउटपुट, जब तक इसका आउटपुट नहीं मिल जाता है, राइट। तो इसका आउटपुट जब नहीं मिल जाता तब तक ये जो है यहाँ पे हमको इसका आउटपुट नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया क्योंकि ये टाइम ले रहा है, ये प्रिंट मेथड जो है जहाँ पे अवेट लिखा हुआ है ये टाइम ले रहा है, इसीलिए यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टॉप हुआ है और स्टॉप होकर यहाँ पे बाहर निकल गया और ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट हो गया, ये लाइन का कोड एग्जीक्यूट हो गया। क्यों? क्योंकि प्रिंट मेथड के अंदर में अगेन सेट टाइम आउट लिखा हुआ है, और ये सेट टाइम आउट क्या करेगा, ये ब्राउज़र का एपीआई है, ये क्या करेगा, जितना माइक्रो सेकेंड यहाँ पे टाइम है एज अ सेकेंड पैरामीटर आप पास किए हैं, उतना टाइम एक्सपायर होने के बाद जो है ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। ये कॉल बैक फंक्शन ये कॉल होगा, राइट। इसको यहाँ पे वन मैं कर देता हूँ, और कॉल बैक फंक्शन ये कॉल होगा तो फिर इसका आउटपुट हमको मिलेगा इतना टाइम एक्सपायर होने के बाद। तो अगेन इसके लिए अब टास्क क्यू में जाएगा, देन वहाँ पे उसको चांस मिलेगा एग्जीक्यूट होने का इतना टाइम एक्सपायर होने के लिए, इतना टाइम एक्सपायर हो जाने के बाद जो माइक्रो सेकेंड है वन, ये है 1000 माइक्रो सेकेंड, तो 1000 माइक्रो सेकेंड के बाद ये चांस मिलेगा एग्जीक्यूट होने का, ये कॉल, ये जाएगा टास्क क्यू में और टास्क क्यू से इसको चांस मिलेगा कॉल स्टैक में जाने के लिए एग्जीक्यूट होने के लिए। तो हमारा उससे पहले, क्योंकि अवेट मेथड लिखा हुआ है, ज़्यादा टाइम ये ले रहा है, टाइम एक्सपायर होने के बाद ये जो है आउटपुट मिलेगा, तो ये क्या हो रहा है हमारा इसे बाहर आ जाएगा और ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो हमारा अगला आउटपुट होगा इंड, ठीक है, इंड होगा। ओके, इंड हो कॉल होने के बाद ये जो टाइम लिया था यहाँ पे, जो ज़्यादा टाइम ले रहा था, अब वो जो है टाइम लेने के बाद ये एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट होकर आपको कुछ रिटर्न किया, तो रिटर्न वैल्यू यहाँ पे कंसोल लॉग होगा उसके बाद। तो क्या कंसोल लॉग होगा, तो देखते हैं। वैल्यू प्रिंट में वैल्यू लिया, आर्गुमेंट पास किया गया वैल्यू, वैल्यू आर्गुमेंट पास करने से क्या होगा, 1 2 3 पास हुआ, तो पहली बार में 1 पास हुआ, 1 पास होकर यहाँ पे वैल्यू आया 1, बट वेट, यहाँ पे समझने वाली बात है, ये वैल्यू 1 यहाँ पे नहीं है, ये वैल्यू यहाँ पे अनडिफाइंड रहेगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये वैल्यू जो आया था अब इसके अंदर एज अ पैरामीटर वैल्यू अलग हो गया। तो रूल ये है कि अगर जावा स्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, तो उस जावा स्क्रिप्ट के अब जो भी मेथड है, ये भले ही ये एनोनिमस फंक्शन, कॉल बैक फंक्शंस है, एनोनिमस फंक्शंस है, बट इसका भी एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है और वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर है, पैरामीटर से पास कर दिए, मतलब वैल्यू डिक्लेयर हो गया इसके एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। तो जब वैल्यू डिक्लेयर हो गया वहाँ पर, इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड, भले ही अनडिफाइंड है बट है वैल्यू, तो अगर वैल्यू पहले ही उसके मेमोरी में है उस मेथड के, उस फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के मेमोरी में, ठीक है, अगर पहले से ही वैल्यू है तो वो जो है अपने पेरेंट के मेमोरी से उसको प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्लोजर फॉर्म नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर है, वेरिएबल वैल्यू डिक्लेयर है, तो यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगा वो अनडिफाइंड मिलेगा क्योंकि इनिशियल वैल्यू इसका अनडिफाइंड है, क्योंकि सबसे पहले पार्सिंग होगा, जो भी वैल्यू डिक्लेयर है, वेरिएबल डिक्लेयर है, उसका इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड होगा, तो यहाँ पे वैल्यू का जो इनिशियल वैल्यू है वो अनडिफाइंड हो रहा है,
इसीलिए यहाँ पे वैल्यू जो मिलेगा अनडिफाइंड मिलेगा, और ये जो यहाँ पे पास किया गया था पैरामीटर, ये वैल्यू यहाँ पे नहीं जा रहा है क्योंकि नेम जो है हम सेम कर दिए ना, इसीलिए नहीं जा रहा है, क्योंकि अब इसका वैल्यू अनडिफाइंड है, ये ले रहा है, ऊपर वाला नहीं ले रहा है। ऊपर वाला वैल्यू का वैल्यू जो है 1, 2, 3 आएगा, ठीक है। ईच इटरेशन का वैल्यू जो है 1, 2, 3 यहाँ पे आ रहा है, बट इस सेट टाइम आउट के अंदर वैल्यू नहीं आएगा इसका, क्योंकि ऑलरेडी वेरिएबल डिक्लेयर है, वो है वैल्यू, और इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड है। हाउएवर अगर हम इसको 1 करते हैं इसको चेक करने के लिए, और इसको अगर कंसोल लॉग यहाँ पहले रिमूव कर देते हैं, तो इसका आउटपुट अगर आप देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वैल्यू 1 यहाँ पे पास हो रहा है एज अ क्लोजर। क्यों? क्योंकि इस सेट टाइम आउट कॉल बैक मेथड के अंदर वैल्यू 1 वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो ये चाहेगा कि अपने पेरेंट में चेक करते हैं, और ये इसको बोलते हैं लेक्सिकल स्कोपिंग। सो इस फंक्शंस के सराउंडिंग से वैल्यू प्राप्त करेगा, ये अपने पेरेंट से वैल्यू प्राप्त करेगा, तो ये अपने पेरेंट में जाएगा तो पेरेंट में उसका वैल्यू मिल जाएगा, वैल्यू 1 का वैल्यू जो भी है मिल जाएगा, तो वैल्यू 1, 2, 3 मिलेगा उसको, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे कंसोल लॉग होगा, तो ये यहाँ पे क्लोजर फॉर्म हो जाएगा। बट पहले उस अगर उस मेथड के अंदर मेथड के एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के फंक्शन के एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट मेमोरी में पहले ही वेरिएबल का वैल्यू अगर है, तो वहीं से वो ले लेगा, भले ही अनडिफाइंड क्यों ना हो, वो अपने पेरेंट और लेक्सिकल स्कोप को ध्यान में नहीं रखेगा। बट यहाँ पे वैल्यू 1 तो इसके अंदर डिक्लेयर ही नहीं किया गया है, तो ये अपने पेरेंट के पास जाएगा, और पेरेंट्स में उसको वैल्यू जो भी मिलेगा वो यहाँ पे उसका रेफरेंस यहाँ पे स्टोर करेगा, उसके रेफरेंस के वैल्यू को ये एक्सेस करेगा। तो अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए इंट क्या मेन स्टार्टेड, ये कॉल हुआ, देन इंट कॉल हुआ जैसा कि मैं आपको बताया था, देन प्रिंट वैल्यू 1 प्रिंट हुआ, अनडिफाइंड प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि प्रिंट वैल्यू 1, ये 1 जो है यहाँ से आ रहा है फ्रॉम द क्लोजर, इसके पेरेंट से वैल्यू आ रहा है, बट ये वैल्यू जो है इसके अंदर ही है, ये अनडिफाइंड है, तो ये जो रिटर्न किया वो यहाँ पे कंसोल लॉक हो रहा है अनडिफाइंड। समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को रिमूव कर देते हैं, इसको भी यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, और हम इसको ऊपर लेकर रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे। अब आप गेस कीजिए क्या होगा, ये वैल्यू वेरिएबल सेम है, राइट। अब इसके अंदर का वैल्यू तो अनडिफाइंड रहेगा, बट इसके अंदर क्या रहेगा, अनडिफाइंड रहेगा, बताइए, गेस कीजिए, कमेंट में बता सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, ऑफ कोर्स नॉट, जो भी पास हो रहा है वो मिल रहा है यहाँ पर एज अ पैरामीटर, जो यहाँ पे एज अ आर्गूमेंट यहाँ पे पास किए एज अ पैरामीटर यहाँ पे मिल रहा है, राइट, तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया, बट ये जो है इसके अंदर पास नहीं हुआ क्योंकि पहले से वेरिएबल मौजूद है। तो नाउ इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट हो जाएगा मेन स्टार्टेड इंड देन अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड। आई होप कि आपको समझ में आ गया, फिर से मैं क्विकली रिमाइंड करा देता हूँ कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, ये हमारा ओके, ये कमेंट नहीं होना चाहिए, नो ये कमेंट नहीं होना चाहिए, इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले ये कंसोल लॉग होगा पहले वाला, देन क्योंकि असिंक का वेट यूज किया गया, ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टॉप होगा, स्टॉप हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा और इसे बाहर आ जाएगा, और ये वाला लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अब ये एग्जीक्यूट तो हो गया, अब देन क्या होगा, फिर यहाँ पे आएगा क्योंकि इसका रिस्पॉन्स तब तक आ चुका होगा, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स उसका क्या आएगा, तो रिस्पॉन्स आएगा जो आपने वैल्यू पास किया था वो तो पास यहाँ पे किया था, बट जो यहाँ पे प्रॉमिस विद इन द सेट टाइम आउट जो एज अ पैरामीटर पास किए, उसका इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड रहेगा क्योंकि इसके अंदर का जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, इसके अंदर जो मेमोरी है, मेमोरी में वैल्यू जो है अनडिफाइंड होगा, क्योंकि ड्यूरिंग पार्सिंग इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड स्टोर होता है, और बाद में जब लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है तब जाकर उसका नया अलग दूसरा वैल्यू असाइन होता है, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू तो अनडिफाइंड था, इसलिए अनडिफाइंड ही रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे रिटर्न होगा 3 टाइम्स, क्योंकि ईच इंडेक्स के लिए ये लूप चलेगा, इटरेट होगा, और वहाँ पे वैल्यू आपको मिलेगा 1, 2, 3, उसका जो है यहाँ पे अंदर जाने के बाद उसका वैल्यू जो रिटर्न हो रहा है अनडिफाइंड हो रहा है, तो डैट्स वाई
मेन स्टार्टेड इंट एंड देन अनडिफाइंड 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 इसका आंसर होगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।